नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। अल्टीमेटली निर्भया के दोषियों के लिए फांसी के या जो दिन है वो मुकर्रर हो गया है और कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी होनी है, लेकिन क्या फांसी 22 जनवरी को 7 बजे हो जाएगी? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। दरअसल ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत इसमें कानूनी दाव पेच बचे हुए हैं। होता क्या है कि जब किसी भी दोषी को फांसी की सज़ा होती है और लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और उसके बाद जब उनको फांसी देने की बारी आती है, तो जितने भी विकल्प हो सकते हैं वो सब आजमाए जाते हैं। और कोर्ट भी मानवाधिकार के नाम पे जो भी, चूँकि उनकी ऑलरेडी फांसी हो रही होती है, इसलिए ये सोचता है कि बेशक 2-4-10 दिन और देर हो जाए, लेकिन जो जो उनके पास विकल्प है सब आजमाने का मौका उनको दिया जाए। आज भी जब बहस इस बात पे हो रही थी कि डेथ वारंट जारी किया जाए, तो कोर्ट ने 14 दिन का लंबा वक्त दिया। क्यों? वो इसलिए कि अभी भी दोषियों के पास दो विकल्प बचे हुए हैं। जैसा कि दोषियों के वकील एपी सिंह क्लियर कर चुके हैं कि सबसे पहले वो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे, उसके बाद मर्सी पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है। जो बेंच रिव्यू पिटीशन सुनती है या उसके पहले फैसला दे चुकी होती है, उसी बेंच के पास वो भी जाता है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है थोड़ा हट के है कि सबसे पहले 3 सीनियर एडवोकेट, उसके बाद सीनियर जज, उसके बाद उस बेंच के वकील, वो रिकमेंड करते हैं, तब जा कर के उस पर सुनवाई होती है। और सुनवाई भी क्या होती है, जब तक उसमें बहुत बड़ा कोई फैक्ट न छूटा हो तब तक उसमें रियायत मिलने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। एक फॉर्मेलिटी जी है जो 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्यूरेटिव पिटीशन का बहुत लंबा इतिहास नहीं है। रूपा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि चलिए रिव्यू के बाद भी एक विकल्प ले लेते हैं, वो आया क्यूरेटिव के रूप में। हाँ, क्यूरेटिव पिटीशन के दौरान यदि कोर्ट स्टे लगा देता है तब फांसी रुक जाती है। तो मान लिया कि इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन के दाव को आजमाया, जिसके खारिज होने की पूरी उम्मीद है, खारिज हो जाती है। इसके बाद एपी सिंह का कहना है कि हम जाएंगे मर्सी पिटीशन में। मर्सी पिटीशन का क्या प्रोसेस होता है कि चूंकि वो जेल में है, उनकी तरफ से जो है पिटीशन दाखिल की जाएगी राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति जो है उसको भेजेंगे गृह मंत्रालय के पास, गृह मंत्रालय भेजेगा दिल्ली सरकार के पास, और उसके बाद नीचे से रिकमेंडेशन जाती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं। एक बात बताऊं कि 4 दोषियों में से, यानी कि जो 4 दोषी हैं, विनय है, अक्षय है, मुकेश है और पवन है, तो विनय ने पहले ही जो है राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दाखिल किया था, और बाद में इस बात से मुकर गया कि उसने कोई पिटीशन दाखिल किया है। ये भी एक कानूनी दाव पेच था, क्योंकि वो जेल में है और ये जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि जब किसी की फांसी होने जा रही हो तो उसके अधिकारों के बारे में उसको बताएगा, और ये भी बताएगा कि आप ये विकल्प है आपके पास, उसको आप आजमा सकते हैं। तो वो जेल अथॉरिटी के थ्रू ही मर्सी पिटीशन को मूव करता है। तो चलिए, विनय का केस भी अब चूंकि वो मुकर गया, इसलिए विनय भी दाखिल कर सकता है मर्सी पिटीशन, और ये तीनों भी दाखिल कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये मर्सी पिटीशन दाखिल करते हैं, एक विकल्प। दूसरा विकल्प क्यूरेटिव पिटीशन का, बेशक ये दोनों खारिज हो जाए। इसलिए लग रहा है कि 22 तारीख को हो भी सकता है कि फांसी ना होने पाए, क्योंकि इसमें यदि टाइम ये लग गया, इन लोगों ने टाइम खींच लिया, तो एक बार डेट टालनी पड़ सकती है। और यदि उसी टाइम पीरियड के अंदर क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दोनों खारिज हो जाती है, तब जो है इनका 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी होना तय है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।